जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं अपने सोमनाथ से जो ट्रैवल चालू किया था, चलते चलते अब मैं बैद्यनाथ धाम जो देवघर आ चुका हूँ, जो झारखंड में है, और यहाँ मेरी फूआ भी रहती है छोटी वाली, तो मैं उन्हीं के पास आया हुआ था। तो यहाँ आया तो मालूम चला एक हमारी फूआ की दोस्त हैं जो मेरी फूआ भी हैं, आप देख सकते हैं, तो एक यूनिक तरीके से ये मटन बनाती हैं, तो इस वजह से आज हम यहाँ रुके भी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फूआ, आपका क्या नाम है? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी, अच्छा वो नाम तो अच्छा है आपका। तो ये हमको बताइए, जो आप बना रहे हैं कैसे बनाते हैं आप? आगे तेल दिए उसमें कढ़ाई में, ठीक। उसके बाद में उसमें जीरा पत्रज सूखा अच्छा, हुआ मिर्च हींग डाल के उसको फ़ौरन दे दिए। ठीक। उसके बाद फ़ौरन थोड़ा सा लाल हो गया, उसके बाद में मटन डाल दिए। मटन 1 घंटा उसको फ्राई करेंगे। तो इसको आप ऐसे ही तेल में पहले फ्राई हाँ, कीजिएगा। नमक हल्का सा नमक डाल के और ये तकरीबन 1 घंटा फ्राई होगा। हाँ, उसके बाद आप जो है प्याज वगैरह बाद में डालेंगे। हाँ, इसके 1 घंटे के बाद प्याज डालेंगे। और क्या क्या रेसिपी रहेगा? प्याज डालने के बाद में फिर वो प्याज गलेगा। हाँ, तो उसके बाद मसाले मसाला को देंगे। क्या क्या? लहसुन देंगे, हल्दी देंगे, सूखा हुआ मिर्च देंगे पाउडर, और जीरा मरीच, ये सारा पिसा हुआ रहेगा, सारा पिसा हुआ रहता है। खड़ा मसाला कुछ भी नहीं? कुछ नहीं खड़ा मसाला। अच्छा, कुछ अच्छा। नहीं। तो इसका कुछ नाम है क्या, इस तरह के मटन जो बनाते हैं? नहीं, ऐसे मटन बनता है ऐसे ही। झारखंड का ही मटन तरीका है बनाने का। हुआ जो हमारे यहाँ, दरअसल ये झारखंड गिरिडीह की रहने वाली हैं और इनका शादी जो हुआ है वो हमारे गांव के बगल में है, लखीसराय नंदनामा के बगल में एक गाँव है शर्मा, शर्मा है ना। तो फूआ जो है शर्मा की बहू है, और साथ में जो देख रहे हैं आप यहाँ, ये हमारी छोटी वाली बुआ है। बचपन में राखी भी बांध दिया करती थी, तो बहन भी कह सकते हैं आप। दोनों की रोल में हमारी कोई अपनी बहन नहीं थी। तो फूआ, कैसे थोड़ा आइडिया आया कि आज मीट बना लिया जाए? अरे ये अष्टनवमी के दिन ये बोली कि हम बनाएंगे, तो फिर हम लोग ला के दिए, बनाई तो हम लोग को बहुत ही पसंद आया। अच्छा, बहुत अच्छा से हम लोग खाए, इनको भी पसंद आया, फूफा को भी पसंद आया, बच्चे लोग भी बहुत पसंद किए। तो फिर तुम्हारे पास चर्चा हुई कि हम खाए थे, तो तुम बोला तब हम भी हमको भी खिलाइए फूआ मटन। बस ऐसे ही हम लोग, अब जब मन करता है तो हम लोग ऐसे ही मिलके बना के खाते हैं, मज़ा आता है, पिकनिक के तरह। हाँ, तो एक पिकनिक के तरह हो गया। और आप देख सकते हैं जो हमारा मटन बन रहा है, दरअसल हम ये गली में बना रहे हैं। अभी क्या छठ पूजा का टाइम है और जनरली लोग घर में ऐसे भी बनाते नहीं हैं, बाहर ही बनाते हैं। सारा बर्तन सब अलग, सारा बर्तन अलग। हाँ।